हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो हमें हार को क्या करना है, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, यानी कि हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना है, अपनी निगेटिविटी को हटाना है, पॉजिटिवनेस अपने अंदर लानी है। पॉजिटिवनेस यानी कि हम क्रैक करेंगे क्या आरआरबी एनटीपीसी, अब की बार रेलवे पार, अब की बार रेलवे एनटीपीसी पार, ठीक है। तो हम क्या क्रैक करेंगे एनटीपीसी। तो इसी के साथ मैं लेकर आया हूँ आप के लिए मोटिवेशनल वीडियो, और आज मैं इसमें बताऊंगा क्या रणनीति रहेगी हमारी एनटीपीसी 2019-20 की, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस है, इसका डिस्कशन मैं करूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर सीबीटी फर्स्ट में क्या होता, सीबीटी सेकंड में क्या होता, स्टैटिक जीके कैसे पढ़ें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा थंबनेल पे क्या है, हाउ टू क्रैक्स आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी को कैसे क्लियर करें, आरआरबी एनटीपीसी में अपना नंबर कैसे लेके आए। तो देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2019-20, ठीक है, 2019 में आई थी जनवरी फरवरी के महीने में, और लगभग इसका जनवरी फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा। वैसे तो आपकी टेंटेटिव डेट आ गई है 15 दिसंबर, यानी कि हमारे पास लगभग मिनिमम 85 डेज बचे हैं, 85 डेज बचे हैं, यानी कि 85 दिन बचे हैं आपके पास, ढाई महीने बचे हैं लगभग, ठीक है। तो सीबीटी ये जो होता है आरआरबी एनटीपीसी, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं आपके, एक होता है सीबीटी फर्स्ट, एक होता है सीबीटी सेकंड, यानी कि सीबीटी फर्स्ट फर्स्ट पेपर और सीबीटी सेकंड सेकंड पेपर। सीबीटी फर्स्ट जो होएगा वो हमारा क्या होता है, वो होता है 100 नंबर का, और सीबीटी सेकंड जो होता है वो होता है हमारा 120 नंबर का, ठीक है, 120 नंबर का। सीबीटी फर्स्ट हमारा क्या है, क्वालिफाइंग है, यानी कि सीबीटी फर्स्ट में हमें क्वालिफाइंग होना है, इसका कोई मेरिट लिस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और सीबीटी सेकंड क्या है, सीबीटी सेकंड हमारा मेरिट लिस्ट बेस होता है। सीबीटी सेकंड में हम क्या करेंगे, सीबीटी सेकंड में हम करेंगे जितने भी हमने नंबर गेन किए हैं एग्ज़ाम में, उसका जो है हमारा 70%, और उसके बाद अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी में साइको की पोस्ट डाली है, गुड्स गार्ड की पोस्ट डाली है, तो इनके लिए साइको होता है, साइको में हमारा जो टेस्ट होता है वो एग्ज़ाम हमारा माइंड बेस होता है, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, लेकिन लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम CVT2 क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका 30% इसमें जुड़ता है, तब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो फिलहाल के लिए हमारा एग्ज़ाम क्या है, फिलहाल के लिए हमारा एग्ज़ाम है सीबीटी फर्स्ट। तो आइए सीबीटी फर्स्ट में किस किस टाइप से कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये जानेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सीबीटी फर्स्ट हमारा क्या होता है, सीबीटी फर्स्ट होता है हमारा 100 नंबर का, क्या होता है हमारा 100 नंबर का, और 100 नंबर में से 100 नंबर में से क्या है हमारा मैथ होता है 30 नंबर का, और मैथ में से भी 30 नंबर में आपको क्या मिलेगा, मैथ में से भी 20 से 25 नंबर के सवाल आपको सिंपल मिलते हैं, सिंपल यानी कि साधारण, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन मिलते हैं, जो आप 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा। तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे, वैसे तो IPL स्टार्ट हो गया, मगर IPL से ज़्यादा ज़रूरी क्या है आरआरबी एनटीपीसी, क्योंकि भाई IPL अगले साल भी आएगा, मगर ये पता नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी आज है कल होगी या नहीं होगी। तो इसलिए आपको सुनिश्चित करना है, आपको जॉब लेनी है, तो IPL से ज़्यादा किस पे ध्यान देना पड़ेगा, आरआरबी एनटीपीसी पे, ठीक है। IPL तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर हाथों से निकल गया तो फिर आने वाला नहीं है, फिर वही बात होगी, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होते, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो रीजनिंग, रीजनिंग आती है इसमें 30 नंबर की, रीजनिंग में भी जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 20 से 25 नंबर के आपके इजी क्वेश्चन बनते हैं, कितने 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं आपके इजी बनेंगे, ठीक है।
तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ में इजी बनेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आपके इसमें रीजनिंग में इजी बनेंगे। उसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, जनरल नॉलेज की बात करूं, तो जनरल नॉलेज मेरा फर्दर पार्टों में डिवाइड हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको जनरल नॉलेज कहां कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपको 40 नंबर का पोर्शन है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, मैथ 30, रीजनिंग 30 और जनरल नॉलेज 40, ठीक है, जीके हमारा 40। जीके 40 में भी आपको करंट अफेयर्स का जो पार्ट मिलेगा वो 10 नंबर का मिलेगा, करंट अफेयर्स का जो पार्ट मिलेगा वो आपको 10 नंबर का मिलेगा। स्टैटिक जीके जो मिलेगा आपको 5 से 6 नंबर का मिलेगा। कभी कभी ये वेरी भी कर जाता है, क्या वेरी कर जाता है, कभी कभी ये 8 से 10 नंबर का भी मिल जाता है, 8 से 10 नंबर का भी हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, ठीक है। स्टैटिक जीके का करंट अफेयर्स हमारा 10 नंबर का हो गया, स्टैटिक जीके हमारा क्या हुआ, 8 से 10 नंबर का हुआ। उसके बाद आ जाता है हमारा साइंस, तो साइंस भी एक पॉइंट गेनिंग सब्जेक्ट है। साइंस में 3 पोर्शन है, जो मैं बताऊंगा क्या साइंस में 3 पोर्शन है आपके। साइंस हमारा जो है 12 से 10 से 15 नंबर का होता है, यानी कि 12 से 15 या 10 से 15 नंबर का। और साइंस 3 पार्टों में आता है, कैसे, फर्स्ट वन आएगा आपका फिजिक्स, सेकंड आएगा केमिस्ट्री, थर्ड आएगा आपका बायोलॉजी। फिजिक्स जो आता है वो 6 से 7 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें 2 से 3 नंबर की आपकी आएगी थ्योरी, 2 से 3 नंबर की आएगी कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी, क्या आएगी, कॉन्सेप्ट या थ्योरी, कॉन्सेप्ट या थ्योरी 2 से 3 नंबर की, ठीक है। और बाकी क्या आएगा, 2 से 3 नंबर के आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स 2 से 3 नंबर के क्या आएंगे आपके, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल किस टाइप से आएंगे, जैसे फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए, तो मास दे रखा होगा, एक्सीलरेशन दे रखा होगा, फोर्स बताना होगा, ठीक है। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या लॉ ऑफ मोशन जो गति की समीकरण है उन पे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। या आपको हीट दे ही रखी होगी, हीट पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या कोई रेजिस्टेंस दे रखा होगा वो सीरीज में है या हमारा समांतर है, पैरेलल है, तो उसमें पूछ लेगा, उस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो ठीक है, न्यूमेरिकल जो है इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो 3 से 5 नंबर की आती है, तो केमिस्ट्री में हमें मेनली क्या रखना है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें से अक्सर क्वेश्चन देखा जाता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है, सबसे भारी तत्व कौन है, ठीक है, किसकी खोज कौन किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे आवर्त सारणी में से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो इसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है वो ये भी बन जाता है, दैनिक लाइफ पे जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है, जैसे हम सोडा यूज कर रहे हैं, नमक यूज कर रहे हैं, तो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, इनके क्या बोल लेगा, रासायनिक फॉर्मूले पूछ लेगा कि भाई धावन सोडे का फॉर्मूला क्या है, खाने का सोडा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पुटअप करता है, क्वेश्चन जो भी पुटअप करेगा केमिस्ट्री में वो आपकी डेली लाइफ से ही पूछता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में भी डेली लाइफ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई बल्ब यूज करते हो आप डेली लाइफ में, तो बल्ब के आविष्कारक कौन थे, ठीक है, बल्ब के आविष्कारक कौन थे ये पूछ लेगा। प्रेस है, प्रेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, किस कौन आविष्कार किया, किसने आविष्कार किया प्रेस का, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री 3 से 5 नंबर की पूछता है, ठीक है। अब बायो पार्ट आ जाता है, बायो का वेटेज ज़्यादा होता है, बायो जो है 6 से 7 नंबर का पूछता है हमारा, ठीक है। अब 6 से 7 नंबर में भी किस कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछता आपका, क्या पूछेगा बायो में, बायो में विटामिन से पूछ सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक है, रोगों से, डिजीज से पूछ सकता है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके कोशिका में से पूछे जाते हैं, सेल जो होती है, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई कोशिका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, या फादर ऑफ सेल कौन है, ठीक है, कोशिका के पिता किसे कहा जाता है, या बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, रक्त की खोज किसने की थी, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बायो में रोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई कौन सी बीमारी है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होगी, या विटामिनों के नाम्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, हेजा जो होता है हमारा कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है,
किसे प्रभावित करता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे बायो में बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या, साइंस हमारा 12 से 15 नंबर का होगा, जिसमें फिजिक्स हमारी 6 से 7 नंबर की, 2 से 3 हमारा कॉन्सेप्ट थ्योरी होगा और 2 से 3 न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री हमारी 3 से 5 नंबर की, जिसमें हमारा आवर्त सारणी से पूछेगा या डेली लाइफ से जो रासायनिक फॉर्मूले हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बायोलॉजी जो है हमारी, बायोलॉजी में 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से एनिमल किंगडम पे भी क्वेश्चन कई बार बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि एनिमल किंगडम से भी हमारे एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा साइंस वाला पार्ट। अब इससे हट के जो हमारा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी कभी क्या है 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये वेरी करता है। और बाकी बचे हमारे और अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट कैसे, जैसे आपने देखा पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ हमारा, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, क्या हुआ, हिस्ट्री यानी कि इतिहास हुआ, या एनवायरनमेंट हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ठीक है, हमारा क्या हुआ, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हुआ। तो पॉलिटी से हमारे, पॉलिटी जो है हमारी 1 या 2 नंबर वेटेज रखती है आरआरबी एनटीपीसी में, ऐसे ही ज्योग्राफी 1 से 2 नंबर का वेटेज रखती है ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसी हमारी हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री भी 1 से 2 नंबर का। एनवायरनमेंट जो होता है हमारा 2 से 3 नंबर का वेटेज रखता है। एनवायरनमेंट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है रेलवे में, ठीक है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, भाई जो हमारी अम्ल वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है। अच्छा ये पूछ लेगा ओजोन जो होती है, ओजोन परत जो होती है वो किस आयन मंडल, कौन सी उसमें पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा हमारा, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटिंग, सोक्स नोक्स क्या होते हैं, कैसे, सोक्स नोक्स में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो 2 से 3 नंबर का वेटेज रखता है एनवायरनमेंट। मगर मेनली जो हमारा हाईलाइट पॉइंट क्या है कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ये लेक्चर मैंने क्यों बनाया है, ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया है कि भाई हमें पता तो है सिलेबस का, सबको पता है सिलेबस का, फिर मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, जब सबको पता है। तो मेरे वीडियो बनाने का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें सिलेबस का तो पता है मगर हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ना है, देखो हमें पढ़ना क्या है मैं बताऊंगा अब आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, देखो फर्स्ट नंबर पे तो आपको मैथ का रिवीजन करना है डेली, मैथ्स, मैथ्स का रिवीजन करना है डेली, कितने घंटे, 2 से 3 घंटे रोज रिवीजन करो, डेली 2 से 3 घंटे रिवीजन, ठीक है। अगर भाई आपको रेलवे में जॉब पानी है, आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करना है, तो मैथ को 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा दो, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। ये हमारे नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। अगर आपने 25 इसमें 25 इसमें नंबर लिया है, तो आपके टोटल नंबर, इनसे टोटल नंबर कितने हुए, इनसे टोटल नंबर हुए आपके 50, ठीक है। और आपको जो है रॉ मटेरियल कितना लेकर आना है, इसमें जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है, एक नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, तो आप 70 अगर रॉ मटेरियल ले आते हैं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो कितना पहुँचेगा, 90 प्लस भी पहुँच सकता है। वो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, आपका एग्ज़ाम किस टाइप का था, शिफ्ट हार्ड थी या ईजी थी, और आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से होगा, ठीक है। तो आप 50 नंबर यहाँ से गेन कर लोगे, उसके बाद आ जाता है हमारा जीके। तो जीके में हमें
फोकस किस चीज़ पे करना है। जीके में हमें फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, किस पे? करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स। और किस पे करना है? स्टैटिक जीके। और किस पे करना है? स्टैटिक जीके पे। भाई ये दोनों पोर्शन जो हैं हमारे कितने 25 नंबर कवर करते हैं, 20 नंबर तो मान ही लो आप, 20 से 25 नंबर कवर करते हैं हमारे क्या? करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। 10 से 12 नंबर का करंट अफेयर्स और 8 है 1 नंबर का स्टैटिक जीके। तो ये हमारे 20 नंबर कवर करते हैं। अब इस 20 में से आप यानी कि 15 नंबर भी जोड़ दो आप, ठीक है? वैसे तो 20 नंबर आप कर लोगे, 15 नंबर जोड़ लो आप, तो कितना बचा हमारा? 65 हो गया करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके 20 से 25 नंबर का, तो 65 नंबर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। इतना पढ़ने पे आप 65 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस क्या है आपको डेली रूटीन में आना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमने 2 घंटे पढ़ लिया, कल को हमने गैप मार दिया, ठीक है? तो हमें जो है डेली रूटीन बनाना पड़ेगा कि भाई हमें 2 से 3 घंटे डेली मैथ पढ़ना है। अब इस 2 से 3 घंटे में भी कैसे करो, 1 घंटा आप कॉन्सेप्ट पढ़ो या 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ो, और 1.5 घंटा क्या लगाओ? क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, ठीक है? क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? फिर आप भैया भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाई नहीं तो आपकी टाइमिंग कैसे इंक्रीज होगी? तो आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना पड़ेगा, चाहे आप अरिहंत का खरीद लो, किरण वाले का खरीद लो, और वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि घटना चक्र खरीदना, ठीक है? मैथ का प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उस पर देखा होगा आपने जो हाईलाइट लगे हुए होते हैं, क्या कि कौन से सन में आया था, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। और अक्सर आरआरबी रेलवे और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी क्या करता है? हाईलाइट क्वेश्चन उठाता है। आपको ने देखा भी होगा, मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे आपको मैथ्स में, उसमें क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता है वो, कि 2002 वाला क्वेश्चन 2018 में दे दिया, 2014 वाला 2015 में दे दिया, तो इस टाइप से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि भाई क्वेश्चन जो होता है हमारा डिफरेंट शिफ्ट में होता है, अलग अलग शिफ्टों में होता, जब हमारा क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में होता तो इतने सारे क्वेश्चन वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के वहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आपके एग्ज़ाम में वे क्वेश्चन आ गए प्रीवियस ईयर, तो आपकी टाइमिंग इंक्रीज होगी, टाइमिंग इंक्रीज होगी भाई, और क्वेश्चन भी आपको याद होगा क्योंकि आपने कर रखा होगा क्वेश्चन, तो ठीक है आप अच्छे नंबर गेन कर जाओगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका सलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे और 1 से 1.5 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा PYQ का, ठीक है? तो घटना चक्र बुक ले लेना, और उसके बाद रीजनिंग हमारी 1 से 1.5 घंटे की, इसमें आधा 1 घंटा आप कॉन्सेप्ट समझो, 1 घंटा वो लगाओ या 1 घंटा कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। वैसे रीजनिंग जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है? तो आप रीजनिंग में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ो, ठीक है? डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है? बुक ले लो करंट अफेयर्स की, ठीक है? बुक अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारी बुकें अवेलेबल है, डेली लगाओ। और स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में मैं बताऊंगा किस किस टाइप से पढ़ना। देखो स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है भाई, स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में आपने देखा होगा हमारे जितने भी अवार्ड हैं, अवार्ड अभी तक आए हुए अवार्ड हैं यानी कि पुरस्कार हैं, ठीक है? प्लेयर्स हैं, क्या है? प्लेयर्स, खिलाड़ी, ठीक है? राज्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, CM, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है? यानी कि किसी भी राज्य में राज्य के CM कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। और राज्य की जो है राजधानी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। राज्य की क्या राजधानी क्या है, इसकी राजधानी, ठीक है? और इनके क्या पता होना चाहिए, नृत्य कौन कौन से होते हैं इनमें, राष्ट्रीय नृत्य, ठीक है? इनके बारे में पता, इनके राष्ट्रीय चिन्ह क्या हैं, ठीक है?
ये सब हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन सी योजनाएं इन राज्यों में लॉन्च हुई हैं, लेटेस्ट जो योजनाएं चल रही हैं हमारी, कौन कौन सी योजनाएं राज्यों में हुई हैं ये पढ़ना है। यानी कि अवार्ड पुरस्कार पढ़ने हैं हमें, प्लेयर यानी कि खिलाड़ियों के नाम, राज्यों के नाम, ठीक है, ये पढ़ना है। प्लेयर्स में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से है और उसे कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, ये पढ़ना है। पुरस्कारों के नाम पढ़ने हैं हमें, नदियों के नाम पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये सब हमारा क्या बनता है, स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है। और हमें क्या पढ़ना है, अक्सर क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी क्या पूछता है कि हाल ही में जो भी निधन हुए हैं उन निधन हुए व्यक्तियों का कि वो किस से संबंध रखते थे, किस क्षेत्र से थे, कहाँ से रहने वाले थे, ठीक है। जैसे अरुण जेटली थे हमारे, क्या थे, अरुण जेटली हमारे पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी हमारे इरफान खान का निधन हुआ, वो क्या थे, अभिनेता थे, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था, उस पर पता होना चाहिए आपको, कोरोना चल रहा है, कोरोना की पूर्ण डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कोरोना क्या है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है। कौन सी भारत की पहली महिलाएँ याद होनी चाहिए, ठीक है, कि किसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है, कौन सा ऐसा फर्स्ट पुरुष था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है, तो ये हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। वैसे आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको स्टैटिक जीके का कवर कराता रहूँगा। वैसे भी मेरी स्टैटिक जीके की ट्रिक भी चल रही है, उसे आप डेली देखते रहिए, डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं भी मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, आरआरबी एनटीपीसी और 2019 का। बस आपको जज्बा दिखाना पड़ेगा, अगर नौकरी लेनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ लगे रहिएगा, जिससे मैं भी मेहनत करूं और आपको भी मेहनत करवाऊं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भाई किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैंने रेलवे के 3-4 एग्जाम दे दिए हैं, मैंने आरआरबी एएलपी, ठीक है, प्री और मेन क्वालिफाई किया, बट मेरा साइको क्वालिफाई नहीं हो पाया था, किसी कारणवश मेरा साइको रह गया था, जिस कारण मैं मेरिट लिस्ट से बाहर निकल गया था। तो मुझे पता है किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैथ में कैसा क्वेश्चन बनता है, जीएस में कैसा क्वेश्चन बनता है, लगभग तीन से साढ़े तीन साल का एक्सपीरियंस भाई रेलवे का ही हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कहां कहां क्वेश्चन बनता है, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय।